चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या गांव के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में मकान बनवा रहे लोगों को लग सकता है झटका, यूपी सरकार तय करने जा रही है मानक। दरअसल उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में मकान बनवा रहे लोगों को झटका लगने वाला है। योगी सरकार बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में सुनियोजित विकास कराने के लिए भवन निर्माण के लिए मानक तय कराने जा रहे हैं। इसके लिए आवास विभाग तय मानक के अनुसार भवन बनाने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार कराने जा रहा है। इसे छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। दरअसल बड़े शहरों से सटे छोटी नगर पंचायतों व पालिका परिषदों और जिला पंचायतों में अवैध निर्माण सबसे बड़ी समस्या है। मॉडल भवन विकास उपविधि न होने की वजह से मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। नई व्यवस्था से इस पर रोक लगेगी। बीजेपी फिर सत्ता में आई तो लद्दाख की पेंगोंग लेक के लिए भी चीन से वीजा लेना होगा, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है, उसने सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस सरकार ने चीन की फौज को हमारे देश में कहां लाकर बैठा दिया। अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो लद्दाख की पेंगोंग लेक को देखने के लिए भी चीन से वीजा लेना होगा। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में सपा के प्रशिक्षण शिविर के समापन पहुंचे थे, इसी दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का एक और एक्शन, कौशाम्बी तिहरे कांड में 6 अधिकारी सस्पेंड, 1 की गई नौकरी। जी हां, देवरिया कांड के बाद यूपी में सीएम योगी ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। सीएम योगी ने कौशाम्बी के भूमि विवाद में हुए तिहरे कांड मामले में 6 चकबंदी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं जमीन आवंटन व पैमाइश में गड़बड़ी के अन्य मामलों में चकबंदी के एक अधिकारी को बर्खास्त करते हुए 7 अन्य यानी कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा विभिन्न मामलों में एक दर्जन से अधिक अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई की गई। वहीं चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने जानकारी दी है कि अनियमितता व अनुशासनहीनता पर सिद्धार्थनगर के चकबंदी अधिकारी देवराज सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। वादा 1 करोड़ और सरकारी नौकरी, चेक केवल 10 लाख का, सुल्तानपुर में डॉक्टर की पत्नी का मदद लेने से इनकार। दरअसल सुल्तानपुर में मारे गए डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी निशा त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 10 लाख की सहायता राशि का चेक देने पर लेने से इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने डीएम के माध्यम से पीड़ित परिवार की मदद के लिए 10 लाख का चेक भेजा था। प्रशासन ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा का वादा किया था, इसके बदले केवल 10 लाख का चेक देकर परिवार भड़क गया। वहीं डॉक्टर घनश्याम 23 सितंबर को चल बसे थे। बता दें कि इसका आरोप भाजपा नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह पर लगा था। मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह 12 दिन बाद भी फरार है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। उसकी कुर्की का भी कोर्ट से आदेश हो गया है। एनडीए और बीजेपी से भी अब उठी मांग, यूपी में जातीय गणना की। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी हुए मुखर। जिया, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से यूपी में भी गणना की मांग तेज हो गई है। अभी तक विपक्षी दल ही खुलकर यूपी में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, अब एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने भी इसकी मांग कर दी है। यह मांग किसी और की नहीं बल्कि योगी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की है। इसके साथ ही बीजेपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत ने भी जातीय गणना का समर्थन दिया है। सांसद ने कहा है कि सभी जातियों की गणना बिल्कुल होनी चाहिए। कहा कि जब देश के अंदर हमारे पास गाय, भैंस, बकरी, शेर और ऊंट कितने हैं उनकी गणना होती है, तो जाति की भी जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में आईएस वर्सेज माफिया का होगा मुकाबला। अभिषेक सिंह के इस्तीफे से क्यों चर्चा में आए धनंजय सिंह। जिला यूपी के चर्चित आईएस अभिषेक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ महीनों से उनके राजनीति में एंट्री की अटकलें लग रही थी। वहीं जौनपुर में भव्य गणेशोत्सव के आयोजन को भी इससे जोड़ा गया है। अब उनके इस्तीफे से लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चा हो गई है, सीट भी लगभग तय मानी जा रही है। बता दें कि अभिषेक सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं और यहीं से उनके ताल ठोकने की चर्चा गर्म है। अगर ऐसा होता है तो जौनपुर का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा। फिलहाल जौनपुर में बसपा के श्याम सिंह यादव सांसद हैं। यहां से पूर्व सांसद माफिया धनंजय सिंह के भी उतरने की पूरी संभावना है। वहीं धनंजय सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से टिकट की जोर आजमाइश कर रहे हैं। अगर अभिषेक और धनंजय दोनों मैदान में आ गए तो लड़ाई आईएस और माफिया के बीच हो जाएगी। नेपाल में पहली बार हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा छत से फेंके गए पत्थर, अनिश्चितकाल के लिए लगा कर्फ्यू। जी हां, पड़ोस देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक बवाल में कट्टरपंथी समूहों ने हिंदुओं पर कहर बरपाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश से सटे शहर नेपालगंज में बीफ विवाद से सांप्रदायिक बवाल भड़का है और देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया।
दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं में शहर धू धू कर जल रहा है। नेपाल प्रशासन ने सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सीमावर्ती शहर में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि बवाल की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि कट्टरपंथी समूह छतों पर से हिंदुओं पर पत्थर बरसा रहे हैं, साथ ही हाथों में धार्मिक ध्वजा लिए हिंदू भाग रहे हैं और छतों पर से उन पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में आगजनी भी हुई है, कुछ जगहों पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं और कई राउंड फायरिंग भी की गई है। इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी ने इंटरनेट पर इस्लाम के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इससे मुस्लिम समाज नाराज हो गया और प्रदर्शन आगजनी कर विरोध जताया। पत्रकार यात्रा बवाल में अकेले फंस गए कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय, योगी के मंत्री समेत 81 से केस वापस। जी हां, बताने की वाराणसी में 8 साल पहले निकली अन्याय पत्रकार यात्रा के बाद हुए बवाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अकेले फंस गए हैं। बवाल के बाद अजय राय के साथ ही योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, संतोष दास सतुआ बाबा, महंत बालक दास समेत 82 लोगों पर केस हुआ था। सरकार ने अजय राय को छोड़कर 81 लोगों से केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में लगा दी। सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने मुहर लगा दी। वहीं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी स्वीकारते हुए अजय राय को छोड़कर सभी को आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि मुकदमे में साधु संतों को भी आरोपित बनाया गया है, ये सदाचार धर्म और कानून के मानने वाले हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने पर लोक शांति व लोक सुरक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अब ज्ञान मापी पर एएसआई को फिर मिली मोहलत, 4 हफ्ते और जारी रहेगा सर्वेक्षण, शोक के बाद भी हुई सुनवाई। दरअसल ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कर रही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीम एक बार फिर रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत मिल गई है। उनको एसआई ने सर्वे पूरा करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और 4 हफ्ते का समय दे दिया है। वहीं एसआई को 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, इससे पहले भी 2 बार सर्वेक्षण का समय बढ़ाया जा चुका है। गुरुवार को अदालत में शोक था, इसके बाद भी अदालत ने सुनवाई की है। उत्तर प्रदेश में गुंडा टैक्स के चक्कर में नई सड़क खोदने वालों से होगी वसूली, सीएम योगी का आदेश, भाजपा विधायक पर लगा है आरोप। जी हां, शाहजहांपुर में नई बनी सड़क को 7 किलोमीटर तक खोदकर बर्बाद करने के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए सड़क खोदने वालों से ही वसूली का निर्देश दिया है। फिलहाल सड़क बनाने वाली कंपनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कंपनी का आरोप है कि कटरा के भाजपा विधायक विक्रम सिंह प्रिंस के आदमियों ने गुंडा टैक्स नहीं देने पर यह कारस्थानी की। हाईवे चौड़ीकरण के तहत बनी सड़क को 2 अक्टूबर की रात खोद दिया गया था, करीब 7 किलोमीटर तक जेसीबी से खोद दिया गया था। बता दें कि इसी पर जीतीपुर पुलिस ने एक नामजद समेत 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उत्तर प्रदेश के झांसी में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में शराबी ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर किया पेशाब, हो गया हंगामा। दरअसल उत्तर प्रदेश में मणिकपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन जा रही उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एसी कोच में एक शराबी युवक ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर पेशाब कर दिया। बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी ने कई बार मना करने पर भी नशे में धुत युवक नहीं माना। जब दंपति ने शोर मचाया तो सूचना पर पहुंचे टीटी ने युवक को पकड़ा। वह ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचने पर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। यूपी की लखनऊ से अपडेट, वाराणसी में साइंस सिटी की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, छोटे कश्तकारों से खरीदी थी जमीन। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने आज निवेशकों का 60,000 करोड़ रुपए हड़पने वाली साइंस सिटी कंपनी की वाराणसी में स्थित करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली है। यह जानकारी आज लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने दी है। वही सूत्रों के मुताबिक साइंस सिटी के संचालक राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव आदि ने वाराणसी के राजा तालाब इलाके में छोटे कश्तकारों से 10.47 हेक्टेयर के 47 कृषि भूखंड खरीदने के अनुबंध किए थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा पार्षद की पिटाई खूब चले, लाठी डंडे, 5 लोग हुए घायल, रोड पर घंटों तक चलता रहा हंगामा। दरअसल मेरठ में मोहनपुर में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने भाजपा पार्षद उत्तम सैनी की पिटाई कर दी। जानकारी लगने पर भाजपा के पार्षद संजय सैनी, पवन चौधरी व पूर्व पार्षद अंशुल गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। भाजपा पार्षदों की प्रवर्तन दल से धक्का मुक्की हुई। वहीं प्रवर्तन दल के पक्ष से जिम संचालक मोहित चिकारा पहुंच गए। पार्षदों और जिम संचालकों में लाठी डंडे चल गए, इसमें 5 लोग घायल हो गए। 4 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ।
भेजा गया अंतिम नोटिस से यूपी के 2700 डॉक्टरों की नौकरी पर लटकी तलवार, बाहर की दवा लिखने पर होगी कार्रवाई। दीघा बरेली मंडल में बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के मामलों पर चिंता जताते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी रोकथाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैक टेस्ट और ट्रीटमेंट के फार्मूले पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए कहा है। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब तक 2700 से ज्यादा ऐसे चिकित्सक चिन्हित हुए हैं जो काफी समय से गैर हाजिर हैं। इन्हीं अंतिम नोटिस जारी हुआ है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ परिवाद दाखिल, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य पर हिंदू समाज और देवी देवताओं को लेकर सार्वजनिक रूप से अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। बता दें कि यह परिवाद डॉक्टर सविता पूनम और राजकुमार सिंह की तरफ से अधिवक्ता अरविंद गांधी ने दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश में भजन सम्राट अनूप जलोटा बोले 121 घाटों पर होगा कार्यक्रम, सीएम योगी का मिल रहा सहयोग। जी हां, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा का कहना है कि हमने ओमकारम नाम से एक मिशन तैयार किया है जिसमें हम ओमकारम के माध्यम से देश की जितनी भी नदियों के घाट है वहां कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उन शहरों की प्रतिभाओं को सामने लाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा सहयोग मिल रहा है। जॉब ऑफर, अलीगढ़ में रोजगार मेला 11 अक्टूबर को 40 कंपनियां देंगी 3500 नौकरी। जी, अलीगढ़ के विवेकानंद कॉलेज में 11 अक्टूबर को रोजगार मेला लगेगा। रोजगार मेला में 40 कंपनियां आएंगी और लगभग 3500 पदों पर चयन कर नियुक्ति पत्र देंगी। सहायक निदेशक सेवा योजन ने बताया है कि 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन मथुरा बाईपास पर नादा पुल स्थित विवेकानंद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पर होगा। अगर आपको भी जरूरत हो तो जाकर वहां से नौकरी प्राप्त करें। मुख्यमंत्री का पीलीभीत दौरा, आज वन महोत्सव में करेंगे शिरकत, मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत का दौरा करेंगे। दोपहर 1:25 पर वह हेलीकॉप्टर से वन विभाग के मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यहां वह वन महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।